उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए हैं। सभी बीमारों को नजदीकी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई है। प्रशासन ने शराब के ठेके को सील कर दिया है और मामले की जांच चल रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि पीड़ितों ने पिछली रात देसी शराब की दुकानों से शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद लोग बीमार पड़ गए। हालांकि जिले के जिला अधिकारी मौत के कारणों पर कुछ कहने से बच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह बताई जा सकती है। वहीं मौके पर डीएम, एसपी और आबकारी विभाग के अधिकारी कैंप कर रहे हैं और इस बात की तहकीकात में जुटे हैं कि जहरीली शराब की खेप आखिर कैसे पहुंची।